ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। मित्रों, ये एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को दिन में तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जहां रात होती है वो अंधे हो जाते हैं। इनको रात होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, जहां अंधेरा होता है वहां इनको दिखाई देना करीब करीब बंद हो जाता है या अधिकांश पूरा ही बंद हो जाता है। मित्रों, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण है अनियमित भोजन, अनियमित खान पान, कुछ भी खा पी लेना, विशेषकर कोल्ड ड्रिंक आदि और ये फास्ट फूड। आजकल जब से फास्ट फूड चले हैं तब से हमारे देश में रोगों की एक बाढ़ जैसी आ गई है, और उसमें ये रोग भी शामिल होता है। और कुछ लोगों को अनुवांशिक लक्षण भी इसमें होते हैं, और अनुवांशिकता से भी किसी किसी को ये रात का अंधापन प्राप्त हो जाता है, रतौंधी प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए यदि आप चाहें तो अपनी पीढ़ी पर इस रोग का पूरा समाधान कर सकते हैं, और समाधान बहुत आसान है, कुछ अधिक नहीं है, कठिन नहीं है, क्योंकि अंधा होने से बेहतर है रात को कुछ ना दिखाई दे, उससे बेहतर है कि कुछ चीजें, कुछ प्रयोग आप कर लें जिससे आपको आराम मिल जाए। अब यदि आपको मेरा नंबर चाहिए है तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा नंबर आपको कैसे और कहां से मिलेगा। और नंबर इस वीडियो में नहीं है, पर हाँ पता चलेगा कहां मिलेगा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आपने बोला अंत में मिल जाएगा, मिला नहीं। ऐसा नहीं है, नंबर तो मैंने कुछ जगह दे रखा, वो पता आपको लास्ट में चलेगा कि कहां से नंबर मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस रोग के रोगी हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो विवरण के वीडियोस देखने हैं, और वहां पे हमने स्वास्थ्य के नियम, प्राणायाम कैसे करना, प्राणायाम यदि आप कर रहे हैं तो गलतियां कैसे करते हैं, सब विस्तार से बताया हुआ है। उनको सबका पालन करिए, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलना आरंभ हो जाएगा। अब उसके साथ, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे, नियम पालन और प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक देह के भीतर से शुद्धि नहीं होगी। तो आप कोई भी औषधि आदि अधिक डालते हैं तो उतनी जल्दी काम नहीं करता जितना वो अंदर से देह साफ होने के बाद काम करता है। मित्रों, इसके लिए आपको हम कुछ औषधीय प्रयोग भी बता दें जो आप घर में सामान्य स्थिति में सकते हैं। बबूल के पत्ते और नीम के पत्ते की जड़ का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, इससे रतौंधी में काफी लाभ पहुंचता है। मित्रों, एक एक चम्मच दोनों की जड़ की छाल ले लें। अभी छाल आपको पंसारी क्या मिल जाती है अक्सर, तो वहां से ले लें और उसको 2-3 घंटे भिगा दें, उसके बाद काढ़ा बना के आप इसका पी सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम ले लें। काढ़े के नियम होते हैं भोजन से पहले लिया जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा रीठे की गुठली, रीठा जो होता है, रीठा एक बाल धोने के लिए काम आता है, वही रीठा है ये। रीठा की गुठली होती है, उसका बीज होता है अंदर का, उस बीज को किसी स्त्री के दूध में उसको घिसकर यदि आंखों में लगाया जाए, यदि आपके पास कोई स्तनपान कराने वाली स्त्री है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उससे थोड़ा सा आधा चम्मच दूध ले लें, वो दे देती हैं, माताएं मना नहीं करती हैं हमारे यहाँ की, तो दे देती हैं, तो उनसे आप ले लें और उसमें आप इसको घिसके इसको आंख में लगाने से भी रतौंधी दूर होती है। तुलसी के पत्तों का रस प्रतिदिन 3-4 बार आंखों में लगाया जाए, इससे भी एक एक बूंद डाल दीजिए, उससे समस्या नहीं होती, उसमें भी रतौंधी दूर हो जाती है। करंज के बीज, कमल किशोर, नीम, नील कमल, रसौत और गैरिक एक औषधि होती है, 5-5 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को गौमूत्र में मिलाकर बारीक बत्तियां बना लें, इससे रोजाना सोते समय पानी में घिसकर आंखों में लगाने से रतौंधी के रूप में काफी लाभ होता है। अब कई बार क्या होता है, किसी को कुपोषण के कारण भी जब ये रोग हो जाता है, क्योंकि कुपोषण से भी ये रोग होता है, तो उस स्थिति में जो हमने स्वास्थ्य के नियम में बताया है कि दूध आदि आपको कैसे सेवन करना है, उसका यदि आप सेवन करते हैं, दूध अश्वगंधा शतावर मिला के जो हमने बताया है, घी आदि डाल के वो आप लेते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, तो वो आपको काफ़ी काम करेगा। इसके अलावा आप जो है 10 ग्राम बेल के ताजे पत्ते, 6 ग्राम काली मिर्च और 25 ग्राम चीनी मिलाकर इसको बारीक पीसकर सुबह शाम इसका सेवन करें, इससे भी रतौंधी रोग में काफी लाभ होता है। अब उसके अलावा जीरे का चूर्ण बनाकर 1-1 ग्राम मिश्री के साथ सुबह शाम सेवन करें, इससे भी रतौंधी रोग में लाभ होता है। अब ग्वार, ये जो ग्वार फली होती है ना, ग्वार फली के जो पत्ते होते हैं उसको भी महीन पीसकर नियमित खाने से उससे भी लाभ होता है। ग्वारफली की सब्जी भी बहुत काम की है इसमें, ग्वारफली की सब्जी यदि आप खाते हैं तो भी काफ़ी काम करती है। हाँ, सुबह शाम आप सब्जी खा सकते हैं इसकी, पर सब्जी में ध्यान रखें अधिक मसाला, मिर्च मसाला, तल और ये तेल आदि ना डालें। जितनी उबली हुई सब्जी होगी उतना अच्छा होगा, और कम से कम ये जो हमने सब्जियाँ, हमारी प्लेलिस्ट है एक निरोगी जीवन, उसमें हमने एक वीडियो दिया हुआ है कि आपको जब अन्न मना किया जाए तो आपको कैसे सब्जी और सूप
उपाधि लेना है वहां आप वो सीख सकते हैं कि आपको सब्जी कैसे बनानी, किसी भी सब्जी आपको आप कैसे बनाना है वहां से आप सीख सकते हैं, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, निरोगी जीवन प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना होगा। उसके अलावा रतौंधी रोग के लिए गाजर, टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियां, सूप, इनका नियमित सेवन करें, ये भी काफी अच्छा लाभ करता है। और सबसे जरूरी है जो हमने कहा कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, वो सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें हमने बताया कि नाक में तेल आदि कैसे डालना, वो बहुत लाभकारी होता है। जब तक मस्तिष्क की नसों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो प्राणायाम से आपको अच्छे से मिलेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके अलावा आप जो भोजन करते हैं उसमें आपको चाइनीज नहीं लेना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, उष्ण तेज गर्म मसाले और अम्लीय पदार्थों से दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे सेहत को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा आवश्यक जो है, सर पर, चेहरे पर या आंखों पर कभी भी गर्म पानी ना डालें, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। और ये आपके लिए अर्थात सबके लिए जो सही है, उनको यदि अपनी आंखों को सही रखना है तो कभी भी सर पे और चेहरे पर गर्म पानी ना डालें, ये बहुत ही हानिकारक होता है। रसोई घर में गैस के धुएं और का निष्कासन, अर्थात कई बार हम जो तड़का आदि देते हैं और कई बार तेल आदि जो गर्म होता है उसकी वजह से जो भाप जो लगती है उसमें भी कई बार आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके बाहर जाने का इंतजाम रखें, ऐसी व्यवस्था, खिड़की ऐसी रखें, आप जो भी एग्जॉस्ट फैन जो भी आज लगाते हैं उसका इंतजाम रखें। खट्टे आम, इमली, अचार आदि का सेवन ना करें। हाँ, आप नींबू का अचार जो खट्टा मीठा आता है उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आम का अचार आपके लिए बिल्कुल वर्जित है। आंवले का अचार भी आप खा सकते हैं, लेकिन आम का अचार कदापि ना खाएं। आंवले से याद आए कि आंवले में मिश्री मिलाकर बराबर उसको कूट पीस का चूर्ण बना लें और 5-5 ग्राम के चूर्ण को आप दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। ये आप भोजन के 1 घंटे बाद या भोजन से पहले सेवन करें, इसमें समस्या नहीं होती है। हरे पत्ते वाला साग, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई आदि का सेवन अधिक करना चाहिए, इससे काफी अच्छा लाभ होता है। जैसा कि हमने अभी आपको दूध में अश्वगंधा का प्रयोग बताया था, उसके साथ अश्वगंधा के साथ आंवले का चूर्ण और आंवले का रस, आंवले का चूर्ण तो हमने पहले बताया था, आंवले का रस ले लें 10 ग्राम और उसमें मुलाठी का चूर्ण भी मिला लें, और ये भी आंखों में काफी लाभदायी है। और आप जो सूर्य को जो सुबह अर्घ दिया जाता है, हम सूर्य को अर्घ देने की हमारे यहाँ परंपरा है, उगते सूर्य को आप यदि देखें उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन आप उगते सूर्य को आपको जो देखना है वो आपको कैसे देखना है कि जो एकदम लाल लाल सूरज होता है ना, उसको आप एकदम सीधी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें समस्या नहीं होती, वो आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन जहाँ सूरज चढ़ जाता है, तेज हो जाता है, उसके बाद आप खुली आंखों से ना देखें। आप दोपहर का भी सूरज यदि आप देख सकते हैं, पर उसको आप बंद आंखों से सूरज की ओर ऐसे आंखें कर लें और वो बंद आंखों से देखें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। हाँ, अर्घ की बात अधूरी रह गई, जो हमने अर्घ की बात आपको बताई है, वो आपको जो अर्घ देना है वो हमारे यहाँ जो परंपरा है, स्नान करने के बाद जल लिया, लोटे में जल लिया और इस तरीके से ऊपर से जो जल दिया जाता है, तो जो जो जल जो जाता है उसके सामने से आप दी, आप उस जल की धार को देखते हैं, उसमें जो सूर्य की किरणें जो पास होती हैं, वो जो रोशनी है वो आपकी आंखों के लिए, सबकी आंखों के लिए बहुत लाभकारी है और ये आंखों को हर तरीके के रोगों से बचा के रखती है। लेकिन यदि रोगी हो गए तो आपको सभी बहुत सारे समाधान साथ में करने होंगे। हाँ, पर जो हम औषधियां सेवन आपको बता रहे हैं, जो आप घरेलू प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, उसमें से आप कोई 1 या 2 करेंगे तो पर्याप्त होते हैं, लेकिन नियम पालन प्राणायाम आपको संपूर्ण तरीके से करना, उसमें आप कोताही बरतेंगे तो कदापि नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें यदि कोताही आप बरतते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। और बाकी आप जितना अपनी दिनचर्या को सही कर सके, जितना अपनी आहारचर्या को सही कर सके, जितना आप अच्छे से प्राणायाम कर सके, उतना आपकी आंखों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा और उसकी जो नसें जो सूखी पड़ी हैं उस वो क्रियान्वित हो जाएंगी। और हम आपको कुछ पॉइंट बता दें, आपको कुछ पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं वो है आंखों के पॉइंट है, एक इस जगह का पॉइंट है, ये जो जगह है यहाँ पे आप इससे पेन से भी ऐसे ऐसे दबा सकते हैं या आप अंगूठे से भी ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, ये आंखों का एक पॉइंट है, इसको आप दबाइए, इसको इससे आपको काफी आराम मिलेगा। और ये आप दोनों एक हाथ, एक दिन इस हाथ में दबा लिया, एक दिन इस हाथ में दबा लिया, आप 2 से 5 मिनट आप जितना सहन कर सकते हैं, और थोड़ा पीड़ा होगी पर हाँ, पीड़ा को सहन करनी होगी, आप उसको दबाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, आंखों, यहाँ पे भी एक आंखों का पॉइंट होता है, मैं आपको पॉइंट करके बता देती हूँ। मेरे पास अभी स्केच पेन नहीं दिख रहे हैं, मैं वही देख रही थी, ये जो 2 जगह है, यहाँ पे मैंने एक
कलर ब्लाइंडनेस का एक वीडियो दिया हुआ है, सामान्य रोग मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या तो इसकी आंखों के लिए प्लेलिस्ट अलग बना दूंगी, तो वो आंखों के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो उसमें आपको सारे वीडियो साथ में मिल जाएंगे। पर यदि आंखों की प्लेलिस्ट ना मिले तो सामान्य रोग में आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें एक इसके लिए वीडियो दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, मतलब वर्णअंधता के लिए। तो उसमें आपको जो वीडियो दिया उसमें मैंने मूंग कैसे लगाना वो बताया हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास मूंग तैयार नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको बता देती कि पेपर टेप से लगा सकते हैं आप, आराम से चिपका सकते हैं और वो काफी अच्छा काम करती है। और नहीं तो इन दो पॉइंट्स को आप किसी भी नोक वाली चीज से, जैसे पेन के पीछे के भाग होता है उसे आप ऐसे ऐसे दबाएंगे, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। ये थोड़ा मोटा है, अभी मुझे कुछ बारीक यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको करके बता देती। मैंने बहुत सी वीडियोज में बताया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये आपको काफी अच्छा लाभ देगा, ये काम आएगा। अब नियम पालन प्राणायाम सब कुछ आपने कर लिया है और ये करते हैं, ये आप इतना ध्यान दें कि जितने साल का रोग है उतने महीने में आप अपने इस रोग को ठीक कर सकते हैं। और आप किसी भी रोग के रोगी हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वीडियो विवरण की वीडियोस आपको देखनी है, उन्हीं वीडियोस में मेरा नंबर भी है, वहां से आपको नंबर लेना है। लेकिन नियम पालन प्राणायाम किए बिना मुझे कॉल ना करें, क्योंकि मुझे पुनः आपको वही निर्देश देने होंगे, क्योंकि वो वीडियोस ऐसे हैं जो हर रोग को ठीक कर सकते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे बाल झड़ते हो, चाहे पेट का कोई रोग हो, चाहे आंखों का कोई रोग हो, कैसा भी कोई भी रोग हो, वो सब रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो सारे वीडियोस ऐसे हैं। तो आप उनको देखिए, नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। उसके अलावा यदि कोई रोग बचता है तो हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट हमने और दे रखी है, उनको देखिए, उनमें आपको बहुत सारे वीडियोस और मिलेंगे, जटिल रोग भी मिलेंगे, जटिल रोग के भी वीडियो मिल जाएंगे आपको। सामान्य रोग तो हमने बता ही दिया आपको, राजरोग जैसे जिनकी दवा जीवन भर खानी है, जिनका ऑपरेशन आदि बताया, जटिल रोग हैं, तो ऐसे सारे रोगों के हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको देखिए तो आपको समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।